वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने हरसूद के चारखेड़ा में तितली पार्क का लोकार्पण किया। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान हरसूद विधानसभा के चारखेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नर्मदा के बैकवाटर के किनारे पर बने तितली पार्क का लोकार्पण किया। वहीं यहां पर वन मंत्री शाह ने लोकार्पण के दौरान रंग बिरंगी तितलियों को पार्क में छोड़ा। मंत्री शाह ने बताया, मां नर्मदा के बैकवाटर के किनारे पर बने तितली पार्क में इतना सुंदर नजारा पर्यटकों को देखने के लिए मिलेगा। यहां पर देश विदेश से भी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचेंगे। यह तितली पार्क सर्व सुविधा युक्त रहेगा, साथ ही तितली पार्क के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी इससे मिलेंगे। वहीं इस अवसर पर उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्रीय जनता मौजूद रहे। जब से का लोकार्पण हुआ है और कई रंग बिरंगी तितलियां आपने यहां पर आज छोड़ी है, सर क्या है पूरा जीवन तितलियों के माफी के रंग बिरंगा होना चाहिए। तितलियां हमें खुशी देगी, तितलियां हमें रोजगार देगी और तितली हमें जीवन की कम समय में अच्छा जीवन कैसे जिए। तितली का पूरा जीवन चक्र महीने भर का रहता है, पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक 30 दिन में सब कुछ कर लेती है। हम 100 साल में कुछ नहीं कर पाते, तो कम समय में सब कुछ कैसे करना है ये तितली हमें सिखाएगी, खुशियाँ देगी, लोगों को मनोरंजन का साधन देगी। लोग यहाँ आएंगे, खाली तितली पार्क नहीं, यहाँ पर होटल बनेंगे, यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन लगेगा, बोटिंग होगी, शनिवार के दिन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और आने वाले समय में रोजगार के नए संसाधन के रूप में हनुमंतिया से अच्छा ये क्षेत्र डेवलप होगा। यहाँ मैंने बताया कि 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक के यहाँ होटल के पर डे कमरे बनेंगे। खालवा से मुकेश यादव की रिपोर्ट।